द स्कारलेट लेटर पब्लिश इन 1850 रिटन बाय नथानियल हॉथोर्न। हॉथोर्न अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, डार्क रोमांटिक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनका बर्थ 1804 में हुआ था, डेथ 1864 में। इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं ट्वाइस टोल्ड टेल्स, द स्कारलेट लेटर एंड द हाउस ऑफ द सेवन गॉबल्स। स्कारलेट लेटर की कहानी है हेस्टर प्रिन की, जिसको एक डॉटर हुआ है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। तो डॉटर का नाम है पर्ल। तो हेस्टर प्राइन जो है एडल्ट्री की एक्यूज्ड है। इसके लिए उसको हमेशा एक स्कारलेट लेटर, मतलब ए जो है, उनको हमेशा पहनना पड़ता है, जिनके कपड़े में रहता है स्कारलेट कलर का लेटर ए, तो ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने कितना सिन किया है मैरिज के बाहर, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। और किसी को पता नहीं है कि किसके साथ की थी, मतलब इसका डॉटर का फादर कौन है। एक रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल है, रेवरेंड चर्च का होता है, जो कि क्रिश्चियन बिलीफ मानता है। तो रियल में यही पर्ल का फादर है, लेकिन हेस्टर प्राइन इसका नाम कभी रिवील नहीं की, लेकिन ये खुद ही आपस खुद को पनिश करते रहता है। मॉरली अच्छा है और इसको हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि पर्ल और हेस्टर प्राइन का ख्याल नहीं रख सकता। मिस्टर चिलिंगवर्थ, ये हेस्टर प्राइन का ओरिजिनल हस्बैंड है। अब हेस्टर प्राइन को इन्होंने भी छोड़ दिया है, और इसे पता है कि फेलो एडल्ट्रेटर रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल ही हैं, और डिम्सडेल का सफरिंग देख के इसे बहुत मजा आता है। क्लाइमैक्स में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बहुत अच्छा रिलीजियस स्पीच देते हैं, और लास्ट में डिम्सडेल सोचते हैं कि वो अपना सीक्रेट सबको बता दे, क्योंकि उनको सीक्रेट जो छुपा रहे हैं इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तो डिम्सडेल दिखाते हैं पब्लिक को कि ये लेटर इनके भी चेस्ट पे है, और ये इंडिकेट करता है कि यही फेलो एडल्ट्रेटर थे, और ये कहता है कि मैं ही पर्ल का भी फादर हूँ। और लेकिन कुछ मतलब वहाँ पे थोड़ी ही देर में डिम्सडेल की मौत हो जाती है, लेकिन पर्ल को खुशी है। और हेस्टर प्राइन इसके बाद भी लाइफ जीती है।